नमस्कार, सनराइज न्यूज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमिताभ। अपनी हरकतों के लिए सुर्खियों में रहने वाले बिहार जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल अब एक नए विवाद में फंस गए हैं। इस बार गोपाल मंडल ने पटना से दिल्ली जाते समय ऐसी हरकत कर दी कि हंगामा हो गया। सहयात्रियों ने आपत्ति जताई तो आरोप है कि विधायक मारपीट पर उतारू हो गए और गोली मारने की धमकी भी दे डाली। दरअसल गोपाल मंडल तेजस राजधानी एक्सप्रेस के A1 कोच में सफर कर रहे थे। उसी कोच में जहानाबाद के रहने वाले प्रहलाद पासवान अपने परिवार के साथ नई दिल्ली जा रहे थे, तभी उन्होंने जेडीयू विधायक को कपड़े उतारकर अंडरवियर बनियान में देखा। गोपाल अंडरवियर बनियान में टॉयलेट गए थे, जिसके बाद प्रहलाद ने आपत्ति जताई और महिला यात्री साथ होने का हवाला दिया। लेकिन विधायक इस बात को समझने के बजाय इतने नाराज हो गए कि प्रहलाद को गालियां देने लगे। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और पूरे कोच में हंगामा हो गया, जिसके बाद वहां मौजूद RPF की टीम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन की रेलवे पुलिस को सूचना दी। जब ट्रेन वहां पहुंची तो UP की रेल पुलिस आई, मामले की जांच की। हालांकि बाद में गोपाल मंडल ने कहा कि हाँ, हम चड्ढी बनियान में थे, क्योंकि जैसे ही ट्रेन में चढ़े मेरा पेट खराब हो गया। मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, झूठ मैं बोलता नहीं, झूठ बोलने से मुझे फांसी नहीं लग जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रहलाद ने विधायक के खिलाफ इस मामले में किसी तरह की लिखित शिकायत नहीं की है, जिसके बाद ट्रेन वहां से आगे निकल गई। रेल यात्री प्रहलाद ने विधायक की ओर से गाली गलौज किए जाने को लेकर नाराजगी जरूर व्यक्त की है और कहा है कि वो पुलिस से इसकी शिकायत करेंगे। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही हमारे YouTube चैनल सनराइज न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।